Good morning, students. So today we are starting with a new chapter, which is problems of excess demand and deficient demand. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगी कि जो केन्स है, जे एम केन्स, उसने कहा कि एक इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो उस लेवल ऑफ आउटपुट पर आता है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. एंड दिस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम मे नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट. ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट बाद भी हो सकती है. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिनके जो 1930s तक जो इकोनॉमिस्ट रहे, 1930 से पहले, उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, they were of this viewpoint that full employment is the necessary condition of equilibrium of economy. ये किसका मानना था? ये क्लासिकल्स का मानना. एक इकोनॉमी को अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो उसके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट नेसेसरी कंडीशन है. ठीक है, लेकिन केन्स ने ये व्यू पॉइंट को डिस्कार्ड कर दिया. उसने कहा इकोनॉमी वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन करती है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है. एक ही बात है बेटे, जहां पर एएसएडी के बराबर है, corresponding to that savings will be equal to investment. And he says this may occur even before the full employment is reached or it may correspond to full employment situation. ठीक है, so AD and AS, Keynes का मानना है AD and AS may be equal even when the resources are not fully utilized. अगर resources fully utilized नहीं है, यानी fully employed नहीं है, यानी economy में excess capacity exist करती है, even then economy may attain equilibrium. ठीक है, which means according to Keynes there are two possible situations. One is full employment equilibrium, another is under employment equilibrium in the economy. ठीक है बेटे, so equilibrium, Keynes का ये मानना है कि equilibrium वहां पर है जहां पर ASAD के बराबर है, या saving investment के बराबर है. And this equality need not necessarily correspond to full employment. ये इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही अटेन हो. इनफैक्ट एएसएडी के बराबर हो सकता है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, या अभी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं हुए उससे पहले भी एएसएडी के बराबर हो सकता है. यानी जहां पर इकोनॉमी में अभी एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, इवन एट दैट लेवल of employment aggregate supply may be equal to aggregate demand. So according to Keynes we can think of two possible situations. One is a full employment equilibrium, another is a underemployment equilibrium. What is a full employment equilibrium? But it refers to that situation where A is equal to AD along with the fuller utilization of resources. Ye wo situation hai jahan par aggregate supply एग्रीगेट डिमांड के बराबर है और साथ ही साथ यहाँ पे रिसोर्सेस फुली एम्प्लॉयड है. बेटे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जनरली आप लोग क्या करते हो, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात आती है या हम रेफर करते हैं तो आप उसको रिलेट कर लेते हो लेबर के साथ. तो लेबर नो डाउट एक रिसोर्स है,
लेकिन इसके अलावा और भी रिसोर्सेज हैं. सो व्हेन वी से दैट रिसोर्सेज आर बीइंग फुली एम्प्लॉयड और रिसोर्सेज आर बीइंग फुली यूटिलाइज्ड, वी आर नॉट ओनली रेफरिंग टू लेबर, वी आर रेफरिंग टू अदर यू नो रिसोर्सेज एज वेल, लाइक मशीनरी. मशीनरी है उसको भी हम रेफर कर रहे हैं. तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो काम करने के लायक हैं, काम करने को तैयार हैं, उनको हमने काम पे लगा दिया. दैट इज देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, नो अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अ सिचुएशन वेयर एस इक्वल टू एडी अलोंग विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 40 को काम पे लगा दिया, तो कोई एक्सेस कैपेसिटी बची? नहीं बची. कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही? नहीं रही. ठीक है, जितने रिसोर्सेज काम करने को तैयार थे मैंने सबको काम पे लगा दिया, और सब काम पर भी लगे हैं यानी फुली यूटिलाइज्ड है, और एग्रीगेट सप्लाई भी एग्रीगेट डिमांड के बराबर है. तो जहां पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल है, वन एएस इक्वल टू एडी, अनदर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो पॉइंट होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. उस सिचुएशन को बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ऑन एक्स एक्सिस वी टेक लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑन वाई एक्सिस वी टेक एएस एडी. एएस एडी, ठीक है. सबसे पहले हम एएस कर्व बनाएंगे, 45 डिग्रीज एएस कर्व. ये दो तरीके से हम बना सकते हैं, दोनों तरीके से बता दूंगी. ठीक है, यहां पर चलो आप एक मिनट, मैं ऐसे बना दू. ये एएस यहां तक आपने परफेक्टली इलास्टिक दिखाना है, उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक दिखाना. एएस को भी रख टू मेक लाइक दिस, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए आपके डायग्राम. ये एएस को अब ये क्या शो कर रहा है, यहां तक एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, प्लैंड आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन है. यहाँ तक यानी अगर ये 10% बढ़ा, ये भी 10%, ये 20%, ये भी 20, ये 40, ये 40, ये 50, ये 50. अब इसके बाद ये फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया. यहाँ पे सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, यानी इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती. मेरे पास 40 बच्चे, मैंने 40 बच्चे काम पे लगा दिए, एज अ रिजल्ट मेरी 40 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हो गई. उसके बाद बेटे क्योंकि मेरे पास और स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में, तो क्या मैं आउटपुट बढ़ा सकती हूँ? ये जो आउटपुट है ये किसका फंक्शन है? इट इज ए फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो व्हेन द इकोनॉमी इज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, तो हम कैसे आउटपुट बढ़ाएंगे? हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते. तो इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक. आफ्टर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, एएस कर्व विल बिकम परफेक्टली इन इलास्टिक. ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया हमारा. अब एग्रीगेट डिमांड कर्व, हमें ये शो करना है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है. तो इक्विलिब्रियम के लिए एडी कर्व बनाना पड़ेगा, एएस एडी के बराबर हो जाएगा. लेकिन हमें यह भी शो करना है कि जहां पर एएस एडी के बराबर है वहां पर इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है. तो हमें यहां से पता चल रहा है हमारी इकोनॉमी कहां पे फुली एम्प्लॉयड है. इतने रिसोर्सेस थे, इतनों को काम पे लगा दिया, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई? फुली एम्प्लॉयड एट दिस पॉइंट. तो जो हमारा एडी कर्व है, एडी कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. तो हमारा एडी कर्व यहां पे काटता हुआ जाएगा
एट दिस पॉइंट ए एस इज इक्वल टू एडी, दैट इज इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो इकोनॉमी इज फुली इम्प्लॉयड. Economy is fully employed. So this is the situation of full employment equilibrium in the economy. Diagram bana lijiye. Aur niche explanation likhiye. Here AS is equal to AD at point E. AS is equal to AD at point E, where factor resources of the whole economy, factor resources of the whole economy are fully utilized. There exists no involuntary unemployment or excess capacity in the economy. There exists no involuntary unemployment or excess capacity in the economy. देखो यहाँ पे जितने लोग कह रहे थे हमें काम करना है, हमने इनको काम पे लगा दिया, तो कोई ऐसा नहीं है जो काम करना चाहता था उसको काम नहीं मिला. यानी देयर एग्जिस्ट नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. सिमिलरली देयर एग्जिस्ट नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. ठीक है, दिस वॉज अबाउट फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम जहां पर फेल कर रही है, यानी कि जहां पर एस एडी के बराबर है वहां पर इकोनॉमी फुली इंप्लॉयड नहीं है. वहां पर कुछ रिसोर्सेस अपनी मर्जी के अगेंस्ट अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, राइट डाउन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एएस इज इक्वल टू एडी बिफोर the resources are fully employed. अभी मैंने 40 में से 30 बच्चे ही काम पे लगाए थे. ठीक है, तो वहीं पर ASAD के बराबर हो गया. अभी resources को fully employ मैंने नहीं किया था, 40 में से 30 लगाए थे, लेकिन वो 30 लोग जब काम पे लगे तो उन्होंने जितनी आउटपुट प्लान की से उन्होंने कहा 100 करोड़ आउटपुट हम लोग बना लेंगे 30 जने मिलके, और कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स कहते हैं हमें चाहिए भी 30 करोड़ की आउटपुट, हमने गुड्स 100 करोड़ के ही हमने गुड्स खरीदने हैं. तो भी 40 बच्चे मैंने काम पे नहीं लगाए थे. ठीक है, लेकिन 30 के लगाने से जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही थी लोग उतनी ही लेने को तैयार थे. तो क्या मैं एडिशनल बच्चे काम पे लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट उनको लगाने से पहले ही इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अ सिचुएशन वेयर एएस इज इक्वल टू एडी बिफोर द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. Before the resources are fully employed, accordingly, there exists
इसका मतलब इस इकोनॉमी में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, अनयूटिल एक्सेस कैपेसिटी एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी. देखो 40 बच्चे थे, अभी 30 को ही काम पे लगाया है, तो इसका मतलब 10 को 10 अभी रहते हैं ना. अगर कल को मुझे आउटपुट पढ़ानी हो तो मैं इनको काम पे लगा सकती हूँ ना. इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर रही है, एक्सेस कैपेसिटी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. आप लोग कहोगे ना, हम तो मैम काम करने के लिए स्कूल आए थे, आपने मुझे काम ही नहीं दिया, यानी आप क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड. पर आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना अनएम्प्लॉयड हो, आप तो काम करने आए थे. तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. So write down one more line. Diagrammatically, such a situation occurs. Diagrammatically, such a situation occurs before full employment. Such a situation comes before full employment. Okay, diagram banate hain. X axis पर level of income and employment, Y axis पर AS, AD. Aggregate supply curve हमें पता है, origin से start होता है, 45 degrees का angle बनाता है, लेकिन जब resources fully employ हो जाते हैं तब ये एक elastic, perfectly एक elastic हो जाता है. This is the shape of aggregate supply curve. AD curve कैसा होता है, upward sloping, starting from above the origin. लेकिन अब हमने जो situation बनानी है वो under employment equilibrium की बनानी है. पहले हमने AD को यहां से कट किया था क्योंकि यहां पे full employment था, लेकिन अभी हमें पता है ये अगर full employment है, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अटेन कर रही है, तो यानी वो यहाँ से किसी भी एक पार्ट पे कट करती ही जाए. सो आप एडी कर्व बनाएंगे जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो किसी भी एक पॉइंट पे, ये ओ से लेके ए तक किसी भी पॉइंट पर आप इसको कट कर दीजिए, ठीक है. अब ये AS का, ये AD का, तो इकोनॉमी यहां पर इक्विलिब्रियम पे आ गई. साथ साथ बनाइए बेटे, ये इक्विलिब्रियम आ गया इकोनॉमी का. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी इनकम है वो कितनी है, वो वाई ई, या हमने कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, कितने लोग एम्प्लॉय किए, इतने एम्प्लॉय किए, और है कितने अवेलेबल, कितने हैं, इतने. हमने कितने काम पे लगाए, इतने. क्यों, क्योंकि इतने काम पे लगा के ही ASAD के बराबर हो गया, यानी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया इकोनॉमी. तो हम ये रिसोर्सेज को नहीं लगाएंगे, जब नहीं लगाएंगे तो ये एक्सेस कैपेसिटी कहलाएंगे या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. 40 बच्चे आए, 30 को काम दिया, तो जो 10 बच्चे बचे वो क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड. वंस यू हैव मेड द डायग्राम जस्ट रेज योर हैंड और गिव अ थम्स अप सो दैट आई प्रोसीड विद द एक्सप्लेनेशन. So write down here, AS is equal to AD at point E. Here, AS is equal to AD at point E. And equilibrium level of output, equilibrium level of output is O
बाय ई, बेटे ऐसे लिखते हैं इसको, ओ बाय वाई के पैर में ई लिखना है, ओ वाई ई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज ओ वाई एफ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज ओ वाई एफ, सिंस ओ वाई ई इज लेस देन ओ वाई एफ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये इक्विलिब्रियम है, सो ओ वाई एफ ये इससे कम है, ठीक है, सिंस ओ वाई ई इज लेस देन ओ वाई एफ, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Here there is involuntary unemployment. Here there is involuntary unemployment to the extent of YEYF. ये जो है ये क्या है, involuntary unemployment. यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था. So I have written it over there. Here there is involuntary unemployment to the extent of YEYF. Clear, everybody? Yahan tak kisi ko koi doubt?